मम्मी से जो है मैं पूछ रही हूँ मम्मी आपको कैसा फील हो रहा है, फोन कर दिया सो वो जो है मुझे लेने आ रहे हैं और मैं भी नहीं बस साथ होते देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं हम पूरे झुग्गी वाले लग रहे हैं झुग्गी वाले दोस्तों। अब मेरे लिए भी यहाँ पे बिस्तर लगेगा थोड़ा टाइम तरपाल उपग्रह होता है मिला तो वो उपग्रह होते हैं जो टूटते हैं लेकिन पता है वो हमें टूटता हुआ तारा दिखता है लेकिन नजदीकी से देखें तो वो मतलब कहीं पे जो है मतलब ऐसे गिरता है पत्थर की तरह होता है वो होते ही है इसका मतलब आसमान में लेकिन ये दिन के टाइम ना दोस्तों मैं तो उठी हूँ लेकिन ताऊ भी उठी हुई है। मेरे पास एक बहुत ही गुड न्यूज़ है और ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जो मेरी भैंस है जो मुझे मारती है वो जो है उस गाइस उससे बच्चा हो गया है, उससे कट्टी हो गई है कट्टी। सो मतलब कि वो हमारी लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं कि मतलब भैंस हो गई और उससे जो मतलब कट्टी हुई है कट्टी। कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए मुझे, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलिए मुझे। सो मम्मी पापा गए हैं और मैं यहाँ हूँ बाहर। सो मुझे तो नींद भी नहीं आ रही, मैं और तब हुए हम दोनों हो रहे हैं खजल और मेरे बाल देखो लंबे लंबे। सो मम्मी आएगी तो मैं मम्मी से पूछूंगी कि मम्मी को कैसा फील हो रहा है तो आपको देखना लाइव बताऊंगी। आप देख सकते हो मॉम वहाँ आ चुकी है नीचे। सो मैं यहाँ पर मम्मी का वेट कर रही हूँ। तो दोस्तों मम्मी आ चुकी है और मम्मी से जो है मैं पूछ रही हूँ मम्मी आपको कैसा फील हो रहा है, बोल जल्दी वाले क्या है कैसा फील हो रहा है, कट्टी हो गई है बढ़िया और क्या। मम्मी बहुत ही खुश है कट्टी हुई कि कट्टू ना क्या प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम कट्टू क्या कट्टू कट्टू कट्टी कट्टी। सो मम्मी बहुत ही खुश है और आप देख सकते हो मम्मी मम्मी के हाथ तो गंदे भी हो सकते हैं गाइस, गंदी से मुस्कान आई है मम्मी से बहुत ही गंदी वाले देखिए मुबारक खुशी हो रही है काले रंग की कट्टी पैदा हुई है गाइस, अबू की तरह गाइस काटी काली ये आपको पता ही है। यहाँ पे जो है उस भैंस का जो है पूरा खाना पीना यहाँ पे जो है देखिए तब्बू ने पहले से जहर लगा के यहाँ पे रखा हुआ है और ये हो रहा है और उसके लिए जितनी फीड वगैरह होगी वो मम्मी सुबह देंगे ना वो दूसरी वाली, अभी तो इसे नॉर्मली भात देंगे भात। और मम्मी अभी गिर जाएगी ना वापस, कौन जाएगा साथ में, मैं चलूं। तो अभी जो है मम्मी ने नीचे जाना है, पापा नीचे अकेले हैं गोल्ड में और गोल्ड हमारा दूर है यहाँ पे। तो पापा तो मेरे यू नो रॉकिंग पापा है, पापा डरते नहीं किससे, रॉकिंग तो मेरी मॉम भी देखो वहाँ से अकेली आ गई यू नो। सो मेरे को और मैं और तब यहीं रहेंगे, सुबह मिलती हूँ कल सुबह बाय। कल सुबह जो है मैं मम्मी के साथ मैं सुबह जल्दी उठने की मैं कोशिश करूँगी ताकि मैं मम्मी के साथ जा सकूँ, मम्मी मुझे सुबह जल्दी उठा देना मैंने देर साथ जाना है सुबह। सो मैं आपको कट्टी बताऊँगी अपनी बाय। सो अब मैं सोऊंगी नहीं, अभी मैं अपना टीवी सीरियल देखूँगी फिर उसके बाद मैं सोऊंगी, फिर मैं बहुत सुंदर आ रही हूँ इसमें फिर हाँ हाँ बेली हूँ मैं इसलिए मैं ऐसी वीडियो बना रही हूँ। अभी का सीन कुछ ऐसा है कि मैं और जो मैं जो हूँ अभी अकेली हूँ घर में और तब्बू और मम्मी जो है गोड़ चली गई है, उन्होंने मुझे बोला था जाने के लिए लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मेरी जो है एक टांग में जो है मतलब इंजरी हो गई है। सो मैं नहीं गई क्योंकि मेरे से चलना नहीं जाना था तो मैं यहीं थी। और गाइस मुझे मोटा डर लग रहा था क्योंकि यहाँ पे जो लाइट मारी है किसी ने शायद मेरे बड़ के ताऊ जो है वो गए गोड की पता नहीं कौन गया, अभी ये सुबह कन्फर्म होगा और मैंने सीधे तब्बू को फ़ोन कर दिया। सो वो जो है मुझे लेने आ रहे हैं और मैं भी नीचे जाऊँगी और मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या हो रहा होगा नीचे, आई डोंट नो क्या क्या हो रहा होगा वो मैं आपको सब कुछ बताऊँगी। गाइस इस व्लॉग में बने रही हैं आंचल ठाकुर के साथ जा रहे हैं वो भी एकदम पट्टू पुट्टू ले के मस्त, देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ। और तब्बू ने देखिए यहाँ पे अपना पूरा सेटअप चलाया हुआ है और वो पानी की बोतल सब कुछ चलाई हुई है, रोन दे रहा है बहुत ही घना। सो फ्लैश लाइट सो ये एक्सपीरियंस मैं पहली बार कर रही हूँ कि ऐसे रात को जा रही हूँ, आज तक तो हमें मम्मी पापा ने कभी मतलब अपने साथ लेके नहीं गए हैं
सो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ बस साथ होते क्या आपको ये देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं हम पूरे झुग्गी वाले लग रहे हैं झुग्गी वाले वो देखिए वहाँ पे आग लगी हुई है और ये देखिए यहाँ पे मेरा आ रही थी यहाँ पे धुआने का कोई धुआने मुंह दिखाई मैं कल करूंगी और ये देखिए यार अपना फोन दे बोला मैं फ्लैश लाइट करती हूँ तब ज्यादा बेटर देखिए मम्मी देखो गाइस कॉल लेट की मैं तो कभी लेट सकती देखो ये तो सारा है हिमालय आप जी लाइए एक दो यार अब मां कुछ नहीं ए बड़ा खुल लगे तब ये आओ कोई तो बड़वा अब कुछ सोना था अबू व्लॉग बनाएगी अबू नहीं सोएगी मैंने तो सोना ही नहीं है भाई मैंने तो यहाँ बैठना है मैंने यहाँ आके पास बैठना है यहाँ ये है पत्थर इस पत्थर के ऊपर बैठ सकते हैं अबू ज्यादा व्लॉग बनाने की लगी हुई थी और वहाँ पे जो है टोलको टॉर्च की वजह से जो है यहाँ पे आ रहे हैं और वहाँ पे बाल्टी रखा है धुना ला रहा और वहाँ पे नीचे आग जलाई हुई है वो देखिए वहाँ पे अंदर है दोस्तों देखिए यहाँ पे आग जो है बुझ चुकी है थोड़ी तो देखिए ये देखिए यहाँ पे ये मैं हूँ और हमें थोड़ा सा ही टाइम लगेगा शायद यहाँ पे ये तो पीछे देखिए लेट चुके हैं पीछे देखिए आप दोस्तों अब मेरे लिए भी यहाँ पे बिस्तर लगेगा थोड़ा टाइम तरपाल तो का झुग्गी तो वाले लग रहे हैं हम झुग्गी वाले ये एक्सपीरियंस मैं फर्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में कर रही हूँ और मॉम देखिए हाँ बॉडी दोस्तों देखिए और देखिए पीछे से उतर जाओ इस रड तू साइड ऊपर पोए ना मकोड़ी रा छागा यो नीचे से देखिए चींटी गाइस ये फट चुके हैं और इसको चींटियां चढ़ रही है चींटियां मम्मी अगर ऐसे झुग्गिया वाले होंगे फिर ही हम तब भी यहाँ पे एडजस्ट करके इस चादर स्पेशल चादर झुग्गिया वाले होंगे तो क्या ये वाले होते एडजस्ट की डीन यार मो लाइट नहीं करो पा रहे आप भी मिल गया है ये गोड डर ऊपर लगे तो खोल रहा बंद करे टूटता हुआ गाइस हम सब ये अभी तारे देख रहे हैं और मम्मी टूटते हुए तारे का वेट कर रही है मम्मी वो टूटे वाले वो टूटता हुआ नहीं होता है वो हमारी ऐसी होती है वो उपग्रह होता है गड़गड़ी लग रहे हैं टूटना है असर तारे भाई तारा तारा टिकी भाई उपग्रह होता है वो उपग्रह होते हैं जो टूटते हैं लेकिन पता है वो हमें टूटता हुआ तारा दिखता है लेकिन नजदीकी से देखें तो वो मतलब कहीं पे जो है ऐसे गिरता है पत्थर की तरह होता है वो मैं आपको साइंस के अनुसार बोल रही हूँ नहीं देखने देखने का तो कोई सीन नहीं होता है लेकिन हम तो बस अपनी विषय मांगते हैं ना क्या तो दादू देखने लग रहा दादू कट्टी जमी दादू कॉन्ग्रेचुलेशन तारे बुट बस ज्यादा आ जाना बड़ा सुंदर लगना बड़ा ठीक केवल की तरह गुड़े तारे यहां से देखिए आज तक किसी सुदक रेट छुदा जिल मिल कर देखे घर से देखे मैंने ना ऊपर की तरफ इतने अच्छे थे ना ये थोड़े ना मैं फोन ना नहीं आ रहा मेरा इतना खतरनाक फोन नहीं ऊपर के तारे भी नहीं है दिखा से बड़ा गुड़े तारे हैं तारे खत्म हो गई हो भाई ये जो तारे है ना ये प्राप्त है अपने इनके पास अपनी रोशनी नहीं होती चांदारी हुई ये सूरज के प्रकाश से चमकते हैं ये
नहीं पापी ना अपनी रोशनी होनी इतनी छोटी छोटी पर बात दिन सूर्य की रोशनी बज जाएगी और इन कम रोशनी सूर्य की रोशनी से चमक ये कंटिन्यू होते ही है इसका मतलब आसमान में लेकिन ये दिन के टाइम ना सूरज की मतलब सनलाइट की वजह से जो है हमें दिखते नहीं है ये अपनी जगह में अटल है मम्मी तो सो बारी चली रही एक और चल रहा मैं सोचने लग रहा अगर उसे भी ढंग देखे ना कोई ना कोई तारा चल रहा चलो कोई नहीं सोचना पहले मुझे सोच रहा मम्मी मेरा स्ट्रेट देख हां तो देखना नहीं एक मिनट आ दस देख मम्मी ए वाले ये मेरी स्ट्रेट इतनी गुठी कितनी देखे और ऊपर चल रहा देख जुगनू की तरह चल रहा है देख आगे आगे को आगे आगे को दिखा ना तुझे भी देखा कितनी तीखी आंखें हैं मेरी दाइन वाली देख नागिन की शक्ति गाने लगाऊं वो तो चुपके थे दे जो ते लाइट ऑन होनी बंद तू मृत्युंजय मंत्र ला बस मृत्युंजय मंत्र नहीं मृत्युंजय मंत्र लाइ दे मृत्युंजय हां गाय दे ओम त्र्यंबकम यजामहे ला तो कन मन ते मंत्र स्काय से दो बंदनी नंदनी आज ले तो लक्ष से अच्छा हरि नंदिनी नंद हां इड्डा बांका बड़ा मंत्र से बड़ा नी दोस्तों अब मैं जलाऊंगी यहाँ पे मम्मी मुझे चैलेंज नहीं करना है ये भी सुक्का सुक्का है टाइट पाइरा में वो तो जल गया है वो है तेरे लाइट रे मुकिया ना बस रण दे लाइट खत्म हो जाएगा तू नहीं जला सकती क्यों नहीं जला सकती तू जला लेंद लेट रही थी कहाँ गया वो सुक्का सुक्का ये है यहाँ घुसाया हुआ है आप किसी के घर से सुक्का सुक्का का आई थी वो नहीं आई थी ऐसे नहीं पकड़ा जल ना लग रहा था नहीं जलाई लिया पहले ये डंडे रख मुड़े अरे के सीन है मेरे से जल ही नहीं रही तुम आगे लाइटर में बैठी चुपके नहीं चले गए पर जलानी अच्छा रुक जा खड़ा रख ले अबे जान ना लग रहा खाली करता हुआ तो फिर क्या रहा मम्मा आर्टिस्ट नहीं हमारे पास दुबई ने खाली ये पहले खाली था भी खाली तो देखिए ये है मेरी कट्टीज दा और इसे खड़ा भी नहीं हो रहा अभी और ये है यहाँ पे जो कि जो है यहाँ पे ये खा रही है पहले आइए दान दीजिए अभी जो है 12:11 हो रहे हैं 12:11 हो रहे हैं और मैं बना रही हूँ पिक्चर है मैं और तब आ गए हैं घर और क्या बोलते हैं ये देखिए 12 ब्रश कर रही है डिस्गस्टिंग 12 ब्रश कर रही है और सरप्राइजिंग बात ये है और सरप्राइजिंग बात ये है कि मम्मी पापा को पता नहीं कि हम वापस उन्होंने सोचा कि हम आ गए घर अब हम नहीं आएंगे लेकिन हम फिर से जाएंगे चाय लेके आएंगे और मार्चिस जो है वो लाइटर मैंने ख़त्म किया सो बेचारे ऐसे बैठे हैं मच्छर खा रहे हैं उन्हें सो हम देखा तरीका जज्बात ही बदल दिए ब्रश करने के गंदे तरीके से कर दी ना
सो अब मैं चाय बना रही हूँ। सो देखिए तो उठी हूँ लेकिन ताऊ भी उठी हुए हैं और ताऊ पता नहीं ताऊ को ताऊ अपने बैंस देखने के लिए गए थे। ताऊ की बैंस भी सोने वाली है। अब वो चलना माने ले गया ना। वो भाई मैं नीचे इतनी डरी पता है मैं ये तो आ ही गए मैं हमने तो ऐसे ऐसे देखो डब्बे भर के रखे हुए थे और ये तो दो मिनट में आ गए यार सीन हो गया। तो अभी बैठ के इन तीनों को पिलाते हैं चाय और मैं लाइट तो चलो ऑन ही है लाइट नहीं ऑन होगी। सो ताऊ शूज पहनने गए हैं ताऊ बोला जूते पहनने आऊं बोले फिर चल गां भी सो गई तीन ग्लास भी भर के दिन तो से आ ही गए ताऊ बेइज्जती होगी ताऊ जूते पहन लिए नहीं आई चटपट तो दोस्तों एक बज चुका है और हम सभी की गप्पे खत्म हो गई है। मम्मी पापा ताऊ वो चल गए नीचे गुड और मैं और तो अब यहीं रहेंगे अब और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लगा था भाई बहुत ही ज़्यादा वाला। सो मम्मी पापा इसीलिए आए क्योंकि वहाँ पे वो नहीं था इत मेरे मुँह देखी पानी लेके आई मेरे लिए अच्छा मेरा है वो जो पापा मतलब वो क्या हुआ ना वो लाइटर ही वो हो गया क्योंकि मैंने उसको इतना जलाया मेरे से आग भी नहीं जली और लाइटर भी मतलब उसकी वो सारी गैस निकल गई इसीलिए फिर पापा ने बोला कि अब आग ये वगैरह भी नहीं है तो फिर रिस्क नहीं लेना था ना ऐसे कीड़े की जू का डर रहता है तो वो यहाँ आए फिर उन्होंने चाय वगैरह पिलाई और वो तीनों चले गए नीचे। So.